तपस्वी जगत में महान है। नोट कर लेना हृदय की डायरी पर, त्यागी तपस्वी जगत में महान है, वो क्षमाशील के बाद ही उसका नाम है। त्यागी तपस्वी जगत में महान है, पर भगवत वाणी कह रही है बेटे क्षमाशील के बाद ही तेरा नाम है, क्योंकि तू तपस्वी तन का है पर क्षमाशील धर्म चैतन्य का है। कर रहा है तन से तपस्या, उगल रहा है मन से अग्नि के गोले, नहीं चाहिए मुझे ये तपस्या, नहीं चाहिए मुझे तपस्या, मैं तपस्वी के पास नहीं जाना चाहता हूं, मैं क्षमाशील के पास जाना चाहता हूं। जीवन में ध्यान रखना, सागर पार हो जाता है, सागर पार हो जाता है पर नैया किनारे पर डूब जाती है। सागर पार हो जाता है और नैया किनारे पर डूब जाती है। मनुष्य ध्यान रखना, तू क्रोध से निकल आया, क्रोध से निकल आया, गृहस्थी के राग से निकल आया, लेकिन मान की भूख से नहीं निकल पाया। और ऐसी भूख थी जो रोटी के टुकड़ों से शांत नहीं होती है। ज्ञानी ऐसी भूख है जो रोटी से शांत नहीं होती है, उस भूख के लिए पता नहीं कितना सम्मान का भोजन चाहिए पड़ता है, और जितना देते जाओ, जितना देते जाओ उतनी भूख बढ़ती चले जाती है। क्यों ज्ञानियों, जब कोई नहीं पूछता था, जब कोई नहीं पूछता था तब कौशल वकील भगवान को पूछता था, जब कोई नहीं पूछता था तो कौशल वकील भगवान को पूछता था। जिन जिन से पूछना प्रारंभ हो गया उस दिन से भगवान की पूजा में कमी। पर क्या करूं, बंदर की पूंछ होती है तो आदमी की मूंछ होती है, ये दोनों बड़ी खतरनाक होती है। बंदर की पूंछ है और आदमी की, पर आज के जमाने में तो लोग मूछ रखते नहीं है, तब भी मूछ तो कट गई सरल जी, पर पूछ नहीं कट पाई। बड़ा आश्चर्य है कि जगत में आज मूछ वाले तो नहीं मिल पा रहे बहुत ज्यादा, लेकिन पूछ वालों की कमी नहीं मिल रही है। क्या करूं, भगवान तीर्थेश कह रहे हैं शंभुत्व की ओर जाना है, शंभुत्व की ओर जाना है तो शंभुपने को छोड़ दो, शंभुत्व की ओर जाना है तो शंभुपने को छोड़ दो। अहम बुद्धि ऊंट समान, धीरे धीरे चलो अपने विषय की ओर। अहम बुद्धि ऊंट समान, वैद्य जी ऊंट विशाल होता है, ऊंट विशाल होता है, लेकिन हे ऊंट तेरी विशालता तभी तक नजर आती है जब तक किसी पहाड़ के नीचे खड़ा नहीं होता है। अहम बुद्धि ऊंट समान, हे ज्ञानियों तभी तक मैं बड़ा नजर आता हूं जब किसी पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता। विश्वास रखना, विश्वास रखना जीवन में। पहचान पुरुष की अक्कड़पने में नहीं है, कुलबंत की पहचान शुष्क पने में नहीं है। आपको मैं कितने बार तो कह चुका हूं, घट में पानी है तो घट आर्द दिखाई देता है, घट में पानी है तो घट गीला दिखाई देता है, आत्मा में गुण है तो विनाए दिखाई देती है। घट में पानी नहीं है तो घट सूखा होता है, और ज्ञानी आत्मा में विनय धर्म नहीं है तो पुरुष ठूंट जैसा दिखता है। खोज करो, खोज करो, धर्म की खोज करो, लेकिन ध्यान दो, आज से किसी पर्वत पर धर्म खोजने नहीं जाना है, किसी तीर्थ में धर्म खोजने नहीं जाना है,
किसी जलाशय में धर्म खोजे नहीं जाना। विश्वास रखना ज्ञानी दानी, तीर्थों में प्रतिमाएं भगवान की मिल जाएंगी, जलाशयों में पानी मिल जाएगा, पर्वतों पर वृक्ष उगते मिल जाएंगे। ओह हो, कितना बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य, एक वृक्ष पर्वत पर भी खड़ा मिल जाता है, यानी उस वृक्ष को पर्वत पर भी नमी मिल गई, सूखा पर्वत भी अपनी गोद में वृक्षों को खड़ा कर लेता है, सूखा पहाड़ भी अपनी गोद में वृक्षों को समेटे हुए है, पर धिक्कार उस जीव को हो जो मान के पहाड़ पर बैठा है, उसके अंदर एक भी चारित्र की सुमना बलियां खिली नहीं मिलती। एक पहाड़ कितना महान है जो सूखा होने पर भी वृक्षावलियों से भरा होता है, परंतु वो जीव धिक्कारण योग्य है जो ज्ञानियों विनय की सुमना बलियों से सूखा होता है। बड़े अच्छे से सुनना भैया, धीरे से क्या कहता है। कोई बात नहीं, एक पटिया पलट दीजिए और मेरा नाम लिख दीजिए। हे भरतेश, आप भूल गए थे, यदि आपने किसी का पटिया पलटाया है तो भविष्य में आने वाला तुम्हारा पटिया भी पलटा देगा। कौन किसका हुआ है, सबके दिन एक से। मैंने सुना ऐसा है कि पिता की आकृति को देख करके ये मुस्कुराता पुत्र है, पिता की तस्वीर को देख करके पंडित जय कुमार जी ज्ञानी पुत्र मुस्काता है कि मेरे तात का चित्र है, वह तो तेली चित्र कागज पर है, पर हे ज्ञानियों चित्त दो इधर निहारो, हे ज्ञानियों चित्त इधर लगाकर देखो, वह तो तेली चित्र पिता के पर्याय की पर्याय है, पर तेरा रूप तो सिद्धों का रूप है, तू पुरुषाकार सिद्धाकार है, तू तो पुरुषाकार है, तू तो श्रद्धाकार है। जगत में श्रद्धा करो ना करो, कम से कम श्रद्धाकार सिद्धाकार पर तो श्रद्धा करो। जगत में किसी पर श्रद्धा करो ना करो, लेकिन सिद्ध आकार पर तो श्रद्धा करो कि मैं अपने सिद्धाकार को बदनाम नहीं होने दूंगा। जब तू कहीं बड़े पद पर बैठा होगा और तेरे नीचे कोई गरीब गिड़गिड़ा रहा होगा, हे मुमुक्षु ध्यान दो, पुण्य का पद बड़ा अवश्य हो सकता है पर आत्मा सबकी समान है, उसको मत भूल जाना। ये पदवियां ये बेभव, ये पदवियां ये बेभव ज्ञानियों बेभव दिलाने वाला नहीं है, पर ज्ञानियों परिणामों की निर्मलता बेभव की ओर ले जाने वाली है। कहां जाना है, बेभव की ओर की बेभव की ओर। सत्य बताना, चंद्रमा को ग्रह भी पड़ता है, कितना ही ग्रह पड़ जाए लेकिन ज्ञानी चंद्रमा का अभाव नहीं होता है, इतना ख्याल में रखना। क्या कह रहे थे, यदि क्षमा मांगने से छोटे हो जाते तो जीवन में विश्वास रखो कोई आज तक तीर्थंकर ना होते। क्षमा मांगने से छोटे होते तो आज तक कोई तीर्थंकर ना होते। क्षमा मांगने वाला छोटा नहीं होता है, छोटा ज्ञानी अहंकार के सिंहासन पर बैठने पाला होता है। विश्वास रखो, क्षमा मांगने वाला छोटा नहीं होता है, झुकने वाला छोटा नहीं होता है, झुकने वाला भरा होता है। और ना मानो तो जाओ ज्ञानी, यहां कुआ है कि नहीं, मंदिर में कुआ है, अरे मंदिर में ना सही, तो लाडगंज मंदिर में तो है, लाडगंज मंदिर का विशाल कुआ है, आपको पता नहीं है साई। पर ज्ञानी दानी इतना ध्यान रखना, झुकने वाला छोटा होता, झुकने वाला छोटा होता तो लोटा भर के कैसे आता, ये तो बताओ।
जो कुएं में गर्दन फंसा करके कोई की डुबाना दे नहीं, अभी तभी जाके चले जा, पर ध्यान दो, गर्दन फंसा करके लोटे को डाला था और लोटा सीधा रह जाता तो लबालब पानी से भर के कब आता। जब नीचे लोटा जाता है तो ज्ञानी झुक जाता है, और जब झुक जाता है तो अपने आप सीधा भी हो जाता है। जो मनुष्य ध्यान दो, जो पंच परम गुरु के चरणों में झुक जाता है वो गुरुओं के पानी से लबालब भर करके वो सीधा होकर लोक के शीर्ष पर विराजमान हो जाता है।